Hello students, today we are going to discuss about our job second of sheet metal shop. In last video, हमने जो discuss किया था sheet metal shop के बारे में सभी tools के regarding discuss किया था, वही सभी tools same यहाँ पे use होंगे. आप last video से देख सकते हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो. So, इस video में हम जो discuss करेंगे that is job second. Job second के अंदर क्या है, हमें हमारा जो aim है that is एक जी आई सीट से हमें एक डस्टबिन प्रिपेयर करना है जिसकी जो डायमेंशंस रहेंगी 40x60x50 mm³. ये उसकी डायमेंशंस रहेंगी. जो टूल्स हैं वो सभी हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम. नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल है वो जी आई सीट है. जी आई स्टैंड फॉर गैलोनाइज्ड आयरन, मीन्स जिंक कोटेड आयरन सीट. इसका जो साइज रॉ मटेरियल का हम यहाँ लेंगे दैट इज 140x140 mm², ठीक है स्टूडेंट्स. और ये उसका डायग्राम है जिसको अभी हम ड्रॉ करना भी सीखेंगे और उसके बारे में सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रॉ मटेरियल होगा जिसका साइज क्या होगा 140x140 mm². नाउ उसके ऊपर हमें मार्क करनी है अपनी सभी डायमेंशंस को, जिनको अभी मैं मार्क करके वन बाय वन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. उसके बाद हमारे पास एक डस्टबिन बनेगा जिसकी जो ड्रॉइंग है वो तो आपको ये विजुलाइज हो रही है. और अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक्चुअल हमारे पास ये डस्टबिन बनेगा. इस डस्टबिन को अगर आप देखेंगे तो ये डस्टबिन है जो आपको बनाना है, इसी डायमेंशन से बनेगा. ये देखिए, ये आपके ही किसी सीनियर बच्चे ने बनाया हुआ है, ठीक है. इस डस्टबिन की जो ये विड्थ रहेगी दैट इज 60, सेम यहाँ पे इसकी जो हाइट रहेगी दैट इज 50 mm, और इसका जो बेस रहेगा दैट इज 40x40 mm² का रहेगा, ठीक है. ये आपका डस्टबिन है. अब इसकी जो मार्किंग है वो अभी मैं आपको पेन पेपर पे करके बताऊंगा, लेकिन आप सबको जब यहाँ वर्कशॉप में करनी होती है एट द टाइम आप वो जीआई सीट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्क्राइबर आप वो मार्किंग करते हैं. सेम अब इसको मैंने क्या किया है, ये जो साइड है दैट इज 140 mm, एंड दिस वन ऑल्सो 140 mm. मैंने क्या किया है, सेम डायमेंशंस लिए, बट आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो एट दैट टाइम आपकी सीट के ऊपर दोनों ड्राइंग आएंगी, 2D इमेज भी आएगी 3D भी आएगी. तो आपको इतनी बड़ी नहीं बनानी है, बट आप उसको स्मॉल कर सकते हैं. लेकिन मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए एक्चुअल में 140 mm ही साइज लिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे. सेंटर फाइंड आउट करने के दो मेथड, या तो आप इसको डायगनली अटैच कर सकते हैं या फिर इसके जो दोनों साइड्स हैं, ये जो साइड है ये 140 mm है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 70 mm. तो 70 mm यहाँ पे मार्क करेंगे. अब इसका जब आप जी आई सीट पर यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे टूल का ट्राई स्क्वेयर का. आप जब इसको यहाँ पैरेलल करके मार्क पे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर तक स्ट्रेट जाएगा, ठीक है. अब मैं यहाँ स्केयर से बना रहा हूँ, बट आप जी आई सीट पर ट्राई स्क्वेयर से बनाएंगे. सो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये मैंने मार्क कर लिया है दैट इज एट 70 mm. सेम ऊपर की साइड भी, ये एक लाइन ड्रॉ होगी. सेम वे में जो वर्टिकल साइड है उस साइड भी हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे. सुनो ये हमारा प्रिपेयर हो गया है. अब इसमें क्या करना है, हमें बेस बनाना है. बेस जो होगा वो 40x40 का बनेगा. दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ, सेंटर पॉइंट से 20 mm अपसाइड, 20 mm डाउन साइड, 20 mm लेफ्ट राइट साइड में, 20 mm लेफ्ट साइड में मार्क कर लेता हूँ. अब मार्क करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज जो पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट आ गया है यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया है. नाउ अब क्या करेंगे, टॉप में हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया है, बॉटम में दिस वन, ठीक है. अब हम इसको टॉप में कौन सा पॉइंट है, दिस वन. अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ट्राई स्क्वायर से आप हेल्प से करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा बच्चे. यहाँ से भी अप टू 4 mm, सेम यहाँ से भी 4 mm, एंड देन इसको मैच कर देंगे. एक ही डायरेक्शन में रखें, ठीक है. तो ये आपका जो है बेस प्रिपेयर हो गया. नाउ अब आप इसके क्या करेंगे, कॉर्नर्स को डायगनली अटैच करेंगे.
ये सारा वर्क जो है आपको विद द हेल्प ऑफ स्क्राइबर करना है। सुनो, अब हमें क्या करना है, जो हमारा जो डस्टबिन बनेगा उसकी जो टॉप में विड्थ मैंने बताई थी 60 थी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से 30 mm दिस साइड, 30 mm अनदर साइड, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 60 mm। तो ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये दो पॉइंट, इन पॉइंटों को हम यहाँ पे मैच करेंगे, मैच करेंगे दीजिए, हो गया है सेम यहाँ पे, सेम बाकी सभी साइड्स में। लास्ट वन, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, देखिए जो बेस हमारा हो गया दैट इज 40 mm, ये साइड भी 40 mm है, और यहाँ पे ये एक्सटेंशन लाइन है, ध्यान रखें ये स्लाइटली गैप होता है यहाँ पे आपके मेन बेस से, ठीक है, सेम यहाँ पे ये भी एक्सटेंशन लाइन है, स्लाइटली गैप है यहाँ पे भी, ईजी में ध्यान रखें, ये आपका हो गया 60 mm, ठीक है, जो विड्थ रहेगी। और जो यहाँ बेस से आपके टॉप की जो हाइट रहेगी, ये मैंने यहाँ एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन, दिस वन इज योर 50 mm, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 40, ये 140, 140 mm आपका रॉ मटेरियल का साइज था। नाउ अब मुझे क्या करना है, सेम मार्जिन लेना है जो मैं एक साइड से दूसरी साइड पे बैंड करके उनके बीच में ज्वाइंट क्रिएट कर सकूं, तो मार्जिन का सेम प्रोसीजर रहेगा, आप टॉप साइड पे किसी भी एक साइड में 5 mm, 5 mm का मार्क करेंगे, ये आपका 5 mm मार्क हो गया, मार्क करेंगे मीन्स इस साइड के यहाँ है, तो ये इन दोनों के बीच में ज्वाइंट क्रिएट करेगा, और यहाँ पे जो मार्जिन रहेगा वो इन दोनों के बीच में ज्वाइंट क्रिएट करेगा, तो सेम यहाँ पे 5 mm का हम मार्जिन लेंगे, ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल, कौन सी लाइन के, ये जो लाइन है यहाँ पे ध्यान दें, ये स्लाइटली आपको इंक्लाइन दिखेगी बिकॉज डाइवर्जिंग दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे ये गैप 60 mm है एंड दिस वन इज योर 40 mm, तो आपको इस लाइन के पैरेलल मार्जिन लेके आना है, कहाँ तक, आपके डायगोनल तक, ठीक है, आई थिंक ये कम्प्लीटली पैरेलल है। सो नाउ यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, अब आपका जो ये वाला पोर्शन बचता है दिस वन, सभी कॉर्नर्स पे ये वाला जो पोर्शन बचेगा, इसको विद द हेल्प ऑफ स्निप टूल आप यहां से क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है आफ्टर कटिंग, जो हमारे पास जो बचेगी, जो आपका पीस होगा वही शेप में होगा, ठीक है, सेम जो हमने पेपर पे मार्किंग थी की थी वही मार्किंग आपको यहाँ पे शीट के ऊपर करनी है, एंड देन उसको विद द हेल्प ऑफ स्निप टूल हमें इस शेप में कट कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है ये जो मार्जिन है वो हमने अपने एजेस के साथ में ही रखा है, और जो मैंने पोर्शन अभी अभी यहाँ पे आपको हैचिंग करके दिखाया था उस पोर्शन को हमने रिमूव किया है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको बैंड करना है, अब बैंड करने का जो प्रोसीजर होगा उसको अब हम डिस्कस करेंगे, उसको बोलते जाओ। ओके नाउ अब हम इसको ऑन द मार्क अपने बेंच वाइज के अंदर फिक्स करेंगे, ये देखिए कंप्लीटली ऑन द मार्क हमने इसको बेंच वाइज के अंदर फिट कर लिया है। अब फिट करने के बाद सेम विद द हेल्प ऑफ मैलेट हम इसको क्या करेंगे, बैंड करेंगे, ये देखिए ये कंप्लीटली 90 डिग्री पे आपका जो पीस है वो बैंड हो गया है। अब हम बेंच वाइज को लूज करके इसको बेंच वाइज से रिमूव कर लेंगे। आपको क्या करना है, ये आपकी एक साइड बैंड हो गई है, अब आपको अनदर साइड को बैंड करना है। अब देखिए अगेन अप टू द मार्क हमने इसको क्या किया है, फिक्स किया है अपने बेंच वाइज के अंदर, एंड देन सेम अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, बैंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे
मार्जिन जो है वो टॉप साइड में रहेगा, ये मार्जिन देखिए, ठीक है। अब हम इसको लूज कर लेंगे। अब जब हम डस्टबिन बनाते हैं, अब जब हम डस्टबिन बनाते हैं तो एट दैट टाइम हमें दो साइड्स को बैंड करना है, एंड देन उन साइड्स को बैंड करने के बाद अगेन अनफोल्ड कर देना है, दोनों साइड्स को हम अनफोल्ड करेंगे, अनफोल्ड कर... ओके सो स्टूडेंट्स, अभी आप देखेंगे इसमें जो दो साइड्स हमने बैंड की थी उनको अनफोल्ड कर दिया था हमने, ये देखिए उसके फुटप्रिंट हैं यहाँ पे, ये जो दो साइड्स थी हमने इनको बैंड करके अगेन अनफोल्ड कर दिया है, और जो अनदर टू साइड्स थी उनको हमने बैंड कर दिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हम अगेन इस तरीके से यहाँ पे फिट करेंगे बेंच वाइज के अंदर अपनी जॉब को, तो देखिए कंप्लीट अप टू द मार्क है जो मार्किंग हमने की हुई है, एंड देन इसको फिर से बैंड कर देंगे जिससे ये दोनों साइड्स के बीच में जॉइंट हो जाए। ठीक है, अब इसको अनफोल्ड करेंगे, सुनाओ। अब हमने जो दो साइड्स को बैंड करके अनफोल्ड किया था उनमें से एक साइड को हम फिर से यहाँ पे बैंड करेंगे, देखिए ये इजीली उसी फुटप्रिंट पे बैंड हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे कंप्लीट पोर्शन को बेंच वाइज में होल्ड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम इसको हाफ में ही होल्ड करके यहाँ पे बैंड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेशल पर्पज टूल है फॉर डस्टबिन। अब डस्टबिन का आप यहाँ साइज देखेंगे तो बिल्कुल आता ना सही चीज़, देखिए कम्प्लीटली इसका जो हमने टॉप साइड बनाए हुए है वो 40x40 क्या ही है, तो सेम यहाँ पे जब डस्टबिन को यहाँ पे फिट करेंगे तो कम्प्लीटली ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, एंड जो हमारी साइड को जिसको बैंड करके हमने अनफोल्ड किया था वो यहाँ पे इजीली उसी फुटप्रिंट के ऊपर बैंड हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, टाइटली होल्ड करके और इसके जो फोर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ नेलर इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेंगे जिससे फिट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो सेम मार्जिन हमने बैंड करके आपको दिखाया था ये इस साइड में, सेम बाकी साइड से भी हम मार्जिन को बैंड, जो मार्जिन था उसे बैंड करेंगे जिससे वो दोनों साइड्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा डस्टबिन का, ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये आपका फाइनल जो डस्टबिन आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ये वो डस्टबिन है, एक बच्चा होगा उसी ने प्रिपेयर कर रखा आपके सीनियर ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको डस्टबिन प्रिपेयर करना है जो आपकी जॉब टू है सीट मेटल शॉप के अंदर। इस डस्टबिन की जो डायमेंशंस होंगी दैट इज 40x60x50 mm³, ये आपका सीट मेटल का एक्सपेरिमेंट था। ये तो दो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज टू टूल्स आर स्पेशल पर्पज टूल फॉर डस्टबिन, एंड दीज टू टूल्स आर स्पेशल पर्पज टूल यूज फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था।